हमने प्रमाप लागत के पिछले वीडियो में किस प्रकार से विचरण की गणना की जाती है इसके बारे में जाना था, और पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी जब एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता हो। आज हम इस वीडियो में दूसरी कंडीशन देखेंगे जब दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग में आती हो, जब हम उत्पादन के लिए दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं तब हम किन मिश्रणों की गणना करेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे इसमें भी दो कंडीशन है, जैसे आज पहले कंडीशन पर बात कर रहे हैं जब प्रमाप मिश्रण प्रयोग यानी कि जो हमारे टोटल एसक्यू है स्टैंडर्ड क्वांटिटी तथा वास्तविक मिश्रण प्रयोग यानी कि एक्चुअल मिक्स जो है उसका टोटल एक्यू अगर दोनों समान हो तो हम किन विचरणों की गणना करेंगे और किस तरह से ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस तरह का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें जितने भी पहला कॉलम है सामग्री का, सामग्री में हमारे पास जितने भी प्रकार की सामग्री यूज हो रही है उनको हम क्रम से लिखेंगे। उसके बाद है प्रमाप मिश्रण का कॉलम जिसमें हम यहाँ पर जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि प्रमाप लागत, उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब आते हैं वास्तविक मिश्रण वाले हेडिंग के अंतर्गत, यहाँ पे मैंने तीन सेक्शन किए हैं। यहाँ पर भी पहला कॉलम यहाँ पर यूज हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी का यानी कि वास्तविक मात्रा एपी यानी कि वास्तविक मूल्य, और ये हो जाएगा एसी का कॉलम एक्चुअल कॉस्ट यानी कि वास्तविक लागत का। तो इस तरह से हम पहले कॉलम तैयार कर लेंगे और विचरणों की गणना जैसे हमने पूर्वों में की थी उसी तरह यहाँ भी पहला जो विचरण है वो है एमसीवी यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरियांश, हिंदी में इसे कहा जाता है सामग्री लागत विचरणांश। तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था एसक्यू इंटू एसपी प्रमाप मात्रा गुणित प्रमाप मूल्य माइनस एक्यू इंटू एपी यानी कि वास्तविक मात्रा गुणित वास्तविक मूल्य। इस तरह से हम जो सामग्री लागत विचरणांश उसकी गणना करेंगे। दूसरा हमारे पास है एमवीवी मटेरियल प्राइस वेरियांश जिसे सामग्री मूल्य विचरणांश भी कहते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स एसपी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एपी एक्चुअल प्राइस। उसके बाद है तीसरा जो है वो है एमयूवी यानी कि मटेरियल यूजेस वेरियांश सामग्री उपयोग विचरणांश। तो इसका फॉर्मूला हमारे सामने एसपी यानी स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट्स है एसक्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एपी। अब जिस तरह से हमने पहले गणना की थी वही गणना हम यहाँ भी करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है जैसे कि विभिन्न सामग्री मिश्रणों की गणना कीजिए। यहाँ पर हमारे मटेरियल जो है वो दो तरह की है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। अब है स्टैंडर्ड यानी कि ये है प्रमाप। प्रमाप में यहाँ हमारे पास दो चीजें उपलब्ध है, एक है क्वांटिटी यानी मात्रा जो कि यूनिट्स में दी गई है और दूसरा है प्राइस जो कि पर यूनिट दी गई है। क्वांटिटी में ए के लिए हमारे पास है 80 यूनिट्स, प्राइस है 4 रुपए पर यूनिट। उसी तरह सामग्री बी के लिए जो है हमारे पास क्वांटिटी है 70 यूनिट्स और जो प्राइस है मूल्य है वो है 5 रुपए पर यूनिट। अब आते हैं एक्चुअल यानी कि वास्तविक से लागत से संबंधित जो हमारे पास जानकारी है वो है यहाँ पर मात्रा के संबंध में दिया गया है 60। ए सामग्री ए के लिए जो है वो है 60 इकाई और सामग्री बी के लिए 90 इकाई। प्राइस तो जो हमारे पास एपी यानी कि एक्चुअल प्राइस जो प्रश्न में दिया गया है वो है सामग्री ए के लिए 5
हम इसके बाद लिखा लेंगे एम यू बी। एम यू बी का फॉर्मूला है एस पी इन ब्रैकेट्स एस क्यू माइनस ए क्यू। अब सामग्री ए के लिए हमारे पास जो है स्टैंडर्ड प्राइस था ₹4, एस क्यू था हमारे पास 80 यूनिट्स और ए क्यू है हमारे पास 7। ये हो जाएगा 4 यूनिट 20, यानी कि ये हो गया 80 प्लस में है ये भी फिलहाल ये फिर। उसके बाद है बी। बी के संबंध में हमारे पास जो एस पी है वो है ₹5 पर यूनिट, एस क्यू है 70 यूनिट और ए क्यू है हमारे पास 90 यूनिट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये जो है प्रतिकूल आ रहा है और ये है माइनस में। अब हम प्लस 80 और माइनस 100 इनका योग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एडवर्स में और ये हो जाएगा 20 एडवर्स। हम रुपीज में इनको शो करेंगे क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट कहा जाता है या फिर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है तो इसका एक सरल तरीका है कि जो एमसीवी होता है वो एमपीवी और एमयूवी के योग के बराबर होता है। अगर आपका योग समान है, इन दोनों का योग और ये एमसीवी अगर समान है तो आपने सही विचलनों की गणना की है। अगर कहीं डिफरेंस आता है तो कहीं गड़बड़ी हो रही है। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विश्लेषण एनालिसिस। हम चाहे तो इन्हें